नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एंड एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ हम शुरू कर रहे हैं एमपी डेली करंट अफेयर्स एंड एमपी जीके का डेली वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे 18 दिसंबर 2018 का एमपी डेली करंट अफेयर्स एंड जीके, जो आपके मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में जो कि मध्य प्रदेश से होगा, इसमें दो भाग शामिल होंगे। पहले भाग में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वह शामिल करेंगे। दूसरे भाग में हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके यानी एमपी स्टैटिक जीके के प्रश्न शामिल होंगे। दोस्तों, इसमें हम डेली टारगेट के रूप में कम से कम एमपी करंट अफेयर्स और एमपी स्टैटिक जीके के मिलाकर 20 एमसीक्यू शामिल करने की कोशिश किया करेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं भाग एक के अंतर्गत मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कौन से क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? जी हाँ, अभी हाल ही में कमलनाथ जो कि कांग्रेस से हैं, 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कमलनाथ को प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन भोपाल में हुआ, जिसका संचालन मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह ने किया। दोस्तों, मुख्य सचिव यहाँ पे लेने का हमारा यह है कि अब जल्दी से जल्दी जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वह बदलेंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को रखेगी, भाजपा अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को मुख्य सचिव या अन्य बड़े पदों पर रखे हुए थी। दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं कि प्रकृति एवं जैव विविधता के साथ जीवन संबंध के लिए प्रकृति शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जीवंत संवाद के लिए प्रकृति शिविर का आयोजन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद के मटकुली इको सेंटर में दोनों जगह पर किया जा रहा है। इसे नेचर कैंप का नाम दिया गया है या प्रकृति शिविर भी बोला जाता है। इसका आयोजन सतपुड़ा रिजर्व और होशंगाबाद के मटकुली इको सेंटर पर किया जा रहा है। 18 से 23 दिसंबर 2018 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस निदेशक हैं आर के शुक्ला जी। अब ये भी दोस्तों बदलेंगे, तो अपन को ध्यान रखना है और बहुत ही सटीकता से देखना है कि कौन कहां बदलेगा। मध्य प्रदेश में अनुभूति कैंप किस विभाग से संबंधित है? जी हाँ, यह अनुभूति कैंप है जो वन विभाग से संबंधित है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा एक कैंप लगाकर स्कूली बच्चों को वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है, नेशनल पार्क का भ्रमण कराया जाता है, जैव विविधता के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। दोस्तों, अभी ये 15 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऐसे कैंप लगाए जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कितने रुपए तक का फसल ऋण माफ करने का आदेश जारी हुआ है? यह 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण जारी हुआ है। हालांकि इसमें कई पात्रताएं रख दी हैं उन्होंने, अभी पात्रता का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर ऋण माफ करेंगे किसानों का, तो उसी क्रम में यह कमलनाथ के पहले ही दिन निर्णय लिया है मुख्यमंत्री बनने के बाद। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। कृषि ऋण माफी के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा 17 दिसंबर 2018 को प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों को 2 लाख रुपए तक की सीमा का जो है वो ऋण माफ होगा, और यह 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ करने का आदेश जारी
कर दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विवाह निकाय योजना की राशि 28,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? दोस्तों, इसका भी वादा कांग्रेस ने किया था, तो यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। 51,000 की बोला था उन्होंने, 51,000 कर दी गई है, इसका भी आदेश जारी कर दिया गया है 17 दिसंबर 2018 को। दोस्तों, कई बार आपके द्वारा कमेंट किया जाता है कि डेट कितनी ध्यान रखेंगे हम, क्या होगा, तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन होता है तो उसी के क्रम में होता है। आप बिना डेट के कैसे पढ़ेंगे और कैसे ध्यान रहेगा, वो तो एक उसी संबंधित होता है। तो आप देख सकते हैं कि डेट कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो 28,000 से बढ़ाकर 51,000 निर्णय कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नहीं, हम क्वेश्चन 6 का ही डिस्क्रिप्शन देखते हैं। और इसके साथ घोषणा हुई है कि साथ ही साथ अब आदिवासी अंचलों में जनजातीय प्रचलित है, जो विवाह प्रचलित होती है जनजातियों को, उसमें होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को सहायता दी जाएगी, जो सहायता होगी 51,000 रुपए की। और दोस्तों, साथ ही में इस योजना में आय सीमा का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है। 17 दिसंबर 2018 को से सभी सामूहिक विवाह कराने वालों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो हमने लिए। कोई ये भी कमेंट करता है कि आप मतलब मुख्य पॉइंट लिया करें, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों ही मुख्य पॉइंट है। और MPPSC या आप जो भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना ही पड़ेगा। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने विभागों में टेक्सटाइल गारमेंट पार्क स्थापना का निर्णय लिया है, कितने संभागों में लिया है? तो ये 4 संभागों में किया जाएगा, और 4 संभागों में टेक्सटाइल या गारमेंट पार्क स्थापना किए जाएंगे। 17 दिसंबर 2018 को इसका भी निर्णय जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया। और इसके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो इंदौर संभाग के धार जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र में, अब ये मोहना औद्योगिक क्षेत्र भी आ सकता है कि कहाँ पर है, ये इंदौर संभाग के धार जिले में आता है। वहीं भोपाल संभाग के भोपाल जिले के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, यानी अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है, कहाँ आता है, भोपाल जिले के अंदर आता है। और जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा में लेह गढ़ुआ औद्योगिक क्षेत्र में, ध्यान दें दोस्तों, लेह गढ़ुआ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है, जबलपुर संभाग में। वहीं उज्जैन संभाग के रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों, जावरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है, हमारे रतलाम जिले में आता है और उज्जैन संभाग में आता है। मध्य प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाइयों को अब कितने प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को देना अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों, यह भी निर्णय लिया गया है कि 70% ही आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को देंगे, इसके अलावा दूसरे प्रदेशों को आप 30% दे सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सुलभ करवाने के उद्देश्य से उद्योग संबंधन नीति 2018, MSME विकास नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। जब निर्णय हो जाएगा तो 70% कर दिया जाएगा। वैसे हो ही गया है निर्णय, अब जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें निर्णय हो जाएगा, अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभी हाल ही में कृषि ऋण माफी की योजना को तत्काल लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? जी हाँ, यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसका मॉनिटरिंग करेगी, ये जो कृषि ऋण माफी होना है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और 17 दिसंबर 2018 को कृषि ऋण माफी की योजना को तत्काल लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है। यह समिति कृषि ऋण माफी योजना को तत्काल क्रियान्वित करेगी, यानी मॉनिटरिंग करेगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाल रंग का आयोजन कहाँ किया जाना है? इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया जाना है, और स्कूल शिक्षा विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के संयुक्त से मिला के 19 से 21 दिसंबर 2018 तक राष्ट्रीय बाल रंग भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। 19 से 21 दिसंबर, दोस्तों ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश बाल रंग के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त दल को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा,
यह जो पुरस्कार दिया जाएगा वह 51,000 रुपए का होगा दोस्तों। प्रथम पुरस्कार जो बाल रंग अपना उत्सव हो रहा है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य में जो दल होगा प्रथम स्थान पर आने वाले को 51,000 का और द्वितीय स्थान पर 31,000 और तृतीय स्थान पर 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं भाग दो के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेटिक जीके, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी। यह इसकी जो स्थापना की गई थी 1969 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से सबसे कम लगती है, तो ये आपको बताना है, यह लगती है गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य का एकमात्र बड़ौदरा जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों बहुत सरल लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन हम स्टैटिक जीके क्वेश्चन शामिल किया करेंगे इसमें। यह दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के भारत देश में। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जी हाँ, यह जो जिला है वो निवाड़ी बन गया है, पहले तो दतिया था अब निवाड़ी बन गया है, क्योंकि निवाड़ी 52वां जिला है, वो सबसे छोटा जिला है। दोस्तों दो तीन तहसील को मिलाकर बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग करके, तो हम निवाड़ी के बारे में देखते हैं। निवाड़ी भारत देश के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल का एक शहर है, जिसका गठन मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में दिनांक 1 अक्टूबर 2018 को हुआ, जो टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। दोस्तों निवाड़ी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर क्षेत्र से सीमा जो है वो टच करती है। निवाड़ी जिले के अंतर्गत प्रतिपुर तहसील की 56 तहसीलें, 56 पंचायतें, क्षमा करें दोस्तों 56 पंचायतें प्रतिपुर तहसील के अंतर्गत, निवाड़ी की 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर अभी 138 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। निवाड़ी जिले का जो क्षेत्रफल है वो 1318 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी मात्र 4,01,000 है। दोस्तों निवाड़ी जिले के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे स्टैटिक जीके में या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है वह किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। दोस्तों इसका देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी जो कि उच्चतम चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, यानी ये कहाँ पे पड़ती है, सतपुड़ा श्रेणी की श्रेणी में पड़ती है और उच्चतम चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से मिलाकर हुआ है, यह भी हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार था हमारा एमपी डेली करंट अफेयर्स और एमपी जीके का वीडियो। हम इसमें एक क्वेश्चन भी शामिल किया करेंगे जो आपसे पूछा करेंगे। आज 18 दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं एमपी जीके करंट अफेयर्स से वह है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में मध्य प्रदेश के मार्शल आर्ट कुश्ती के खिलाड़ी सुश्री रमन यादव ने कौन सा पदक जीता। जी हाँ, कौन सा पदक जीता, तो आपको बताना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको यह आपको लगता है कि ये हमें सफलता दिलाने में कारगर होगा तो इसके बारे में मुझे जरूर जो है वो कमेंट करें और अपनी सलाह जरूर प्रेषित करें। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट जरूर करें और अपने व्हाट्सएप या जो भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों